हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? मैं फैसल चन्ना फ्रॉम यूट्यूब चैनल फैसल चन्ना एग्रीकल्चरिस्ट वर्ल्ड। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो हमने टॉपिक छोड़ा था उसके जो दूसरा पार्ट है, उसका दूसरा पार्ट ये है कि वो आज हम सीखेंगे कि फील्ड मेथड क्या होता है। फील्ड मेथड सॉइल में, तो जो फील्ड मेथड होता है कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को कैसे पहचाने हम कि उसमें सैंडी ज़्यादा होती है, सिल्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं या क्ले पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। अभी इसी वक्त मैं आपको इस वीडियो में खाली बताऊंगा, मैं करके आप किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ कि फील्ड मेथड होता क्या है। सबसे पहले जो हम लेंगे, कोई भी सेंट लेंगे, कोई भी सॉइल लेंगे, कोई भी सॉइल लेंगे, उसको हम लेंगे अपनी लैब में, अपने घर में या कोई सी भी जगह जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल हो। सबसे पहले हम लेंगे पेट्री डिश। पेट्री डिश आपको पता नहीं होगा कि किसको बोलते हैं पेट्री डिश, मतलब जो होता है एक गोल जो होता है, ढकना होता है, लेकिन वो होता है लोहे का, वो पेट्री डिश उसको बोलते हैं। तो वो भी होना चाहिए और एक बाउल भी होना चाहिए, एक बाउल होना चाहिए हमारे पास। ये दोनों मेथड हैं जिससे हम सॉइल की जो है एनालिसिस भी कर सकते हैं और उससे पता भी लगा सकते हैं कि हमारी जो लैंड है उसमें ज़्यादा पार्टिकल किस चीज़ के हैं ना। तो हम पानी लेंगे थोड़ा सा और वो डालेंगे सेंड के पार्टिकल में, सॉइल में, ओवरऑल सॉइल में डालेंगे ना। ओवरऑल सॉइल में डालने के बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम या तो हम बॉल बनाएं या तो हम रिंग बनाएं, अब ये आप पे। लेकिन जो रिंग वाला जो है सेटअप, रिंग वाला जो मेथड है वो ज़्यादा कामयाब है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा जो है लंबा जाता है और उससे पता चल जाता है कि पार्टिकल बआसानी पता चल जाता है कि कौन कौन से पार्टिकल इसमें है। जो क्ले के पार्टिकल है उसकी रिंग सबसे ज़्यादा बनती है और सबसे अच्छी भी बनती है क्ले के पार्टिकल्स। और अगर क्ले में बात करें तो क्ले में अगर सिल्ट के पार्टिकल्स आ जाएं तो सिल्ट के पार्टिकल्स जो है वो थोड़े थोड़े जो है ना क्ले से मतलब कम है। कम मतलब ऐसे कि वो जैसे ग्रिटी टेक्स्ट होता है उसका, हाथों में वो चुभता है और वो लगता है। क्ले बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और मुलायम होती है, वो हमें हाथों में नहीं लगती। हमें हाथों में लगता है तो वो है सिल्ट के पार्टिकल जो है हमें या तो वो ग्रिटी भी टेक्स देते, मतलब जैसे खुरदरे जो शेप होती है, फीलिंग होती है, वो भी हमें देते हैं। तो और सबसे जो कम रिंग बनती है गई वो होती है सैंड में। सैंड की रिंग बिल्कुल ही कम बनती है और बिल्कुल ही बारीक बनती है। उसकी वजह यह है कि सैंड का जो पार्टिकल है वो स्टिकी नहीं होता, वो स्टिकी नहीं होता। तो इसी वजह से जो आपस में जो बॉन्डिंग है ना वो उनकी सही नहीं हो पाती खुद में ना। तो आप अपने लैब में, आप अपने घर में अगर किसी भी उसे आप सॉइल लेके आए, आप एनालाइज करें और जो मैंने बताया है आपको फील मेथड, इसी मेथड से आप अपनी सॉइल को देखें तो आप पहचान जाएंगे कि आपकी ज़मीन में कौन सी जो है ना पार्टिकल ज़्यादा है, जैसे सेंट ज़्यादा है या क्ले ज़्यादा है या सिल्ट पार्टिकल ज़्यादा है। और गाइस ये एक एग्रीकल्चर होने के नाते, या आप एग्रीकल्चरिस्ट भले नहीं हो लेकिन आप ज़मींदार हो, लैंडलॉर्ड हो या फार्मर हो, या अपने फार्मर को गाइड कर सकते हैं इन चीज़ों के हवाले से। थैंक यू। अगली वीडियो आपकी मैं बनाऊँगा कि मैं लैंड पे बनाऊँगा ना, लैंड पे की लैंड की प्रिपरेशन कैसे की जाए, सीट बेड जैसे सीट कैसे तैयार किया जाए, सीट के लिए बेड कैसे तैयार किया जाए और सीट डोरमेंसी क्या होती है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में खोलूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।